आवाज आ रही है? जी जी असल में यार। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, आप सुनाए, कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। मैं ये देख रहा हूँ ये पुरनूर चेहरा, ये अगर 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 आप कहीं पे अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह अल्लाह ताला दुनिया में भी इनाम देता है यू भाई। मैं इसको मजाक के पैराहे में नहीं लेकर जाऊंगा, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए आपको अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि मैं बहुत बहुत जमाने के बाद देख रहा हूँ आपको, और टीवी के ऊपर इस तरह से बहुत ज्यादा मुतासिर कुन अल्लाह सुभान व तआला ने आपके शक्ल को नवाजा है। माशाल्लाह तबारक अल्लाह। कोशिश भी करता हूँ कि अमल भी करूँ ना, कोशिश भी करता हूँ कि अमल भी करूँ ना। माशाल्लाह असल में हमारे पास जो है ना, अगर आप दीन के हवाले से बात की जाए ना, तो हम अगर हम देखें तो हम आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी तक जो है ना, हमारे पास अमल का जो है ना बहुत सारा जिक्र है। तो अगर आप कुरान को भी अगर आप पढ़ते हो तो उसके बारे में, अमल के बारे में, जैसे सूरह मुल्क है, सूरह मुल्क के अंदर भी यही बात है ना कि तबारक अल्लज़ी मुल्क, ये सूरत जो नाजिल हुई है उसके अंदर यही है। अल्लाह ताला अमल को देखता है कि आप अमल क्या कर रहे हैं। और तबारक सूरत अल्लज़ी बियादिहिल मुल्क वहुवा मुल्क, अला, आह बिल्कुल ठीक है ना, तो अल्लाह ने पैदा फिर हमें किस लिए किया, वो आजमा रहे हैं हमें कि भाई आप क्या करते हो, आपका अमल क्या है। और इससे पहले भी अंबिया गुजरे, उनके उन्होंने अमल के बारे में ही बताया ना हमें। और आप देख लो सूरह कैफ की आखिरी आयत है, उसके अंदर भी अमल के बारे में, अगर आप अल्लाह से मुलाकात करना चाहते हो तो अपने अमले साले करो। तो अमल का जो है ना, असल में बहुत ज्यादा इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अमल उसका कितना बेहतर है। अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात लियुबलकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहु वल अज़ीज़ुल गफूर। हाय हाय ठीक है ना। क्या खूबसूरत है। आज हम बात आपसे यूं ही जरा दिल चाह रहा है करने को, कि मुझे दरअसल मैं इस बात का फर्क जानने की कोशिश कर रहा हूं यूं भाई, कि आज जो जमाना खराब हुआ है इसकी इब्तिदा तो कल हुई होगी ना। एक वही दिन में तो वक्त नहीं बदलता, एक दिन में तो लोगों के करतूत नहीं बदलते, एक दिन में तो ये मिलावट नहीं आई, एक दिन में तो ये करप्शन नहीं आया, एक दिन में तो ये बुराई झूठ फरेब धोखा दही, एक दिन का तो फल नहीं है ना। ठीक है सिंह भाई, नहीं है, एक दिन का नहीं हल, सही बात है आपकी। तो इसका जो आप महसूस करते हैं, चूंकि अल्लाह ताला ने आपको दीन और दुनिया दरअसल एक ही है, लेकिन लोगों के लिए के जो दीन पर रहता है दुनिया उसके लिए अल्लाह आसान बना देता ठीक है, सही बात है आपकी, बिल्कुल ठीक। है ना। क्योंकि देखिए अल्लाह ताला ने आप जैसे लोगों को प्रैक्टिकली नमूना बना करके पेश किया, ये तो अल्लाह ताला करने वाला है ना। अल्लाह कुल्ले शैइ जी कदीर, जी जी बिल्कुल सही किसको है, ठीक जैसे जैसे चाहे अल्लाह नवाज दे, ये तेरे कर्म की ये बात है। जी। तो ये पहले आप जरा सा ये बताएंगे कि आज से पहले, जैसे अगर आप आज से 10 साल पहले, फिर 20 साल पहले, फिर 30 साल पहले, फिर 40 साल पहले अगर चले जाए, जी तो मैं इससे ज्यादा इसलिए नहीं बोलूंगा कि इससे ज्यादा आपकी उम्र नहीं है सही है, ठीक है लेकिन दो उम्रें हमारी होती है, एक हमारी इल्मी उम्र, एक हमारी जी और एक अमली उम्र। तो जी अमली सही उम्र उम्र तो यकीनन नहीं है आपकी इससे ज्यादा, लेकिन इल्मी उम्र यकीनन इससे कहीं ज्यादा है। जैसे हम बात करते हैं ना हिटलर के जमाने की, हम तो नहीं थे। हम बात करते हैं सहाबा इकराम के दौर की, हम वहां उस वक्त तो नहीं थे। तो सही इल्मी और जो बदनी इल्म होती है ये दोनों अलग अलग है, मगर दोनों साथ साथ चलते रहना चाहिए। सही तो ठीक पहले पहले निजाम तालीम आपका जो बचपना था जी जी उस वक्त की थोड़ी सी आप जरा लबकुशाई करेंगे, बड़ी मुझे दिल चाह रहा है उस जमाने की बात जब आप असल प्राइमरी में जाते थे, स्कूल में, स्कूल का रवैया क्या, मोहल्ले का रवैया क्या, वालदेन का क्या सलूक। ठीक असल में ये है कि बचपना तो खैर मेरा मनोड़े पे गुजरा है। मेरे वाली साहब जो है वो केपीटी में, कराची पोर्ट्स में इंजीनियर थे जहाज के ऊपर, हाँ तो हमारा मनोड़े पे ही तालीम भी गुजरी है और मनोड़े पर ही जो ना हमारा बचपना गुजरा है।
तो उस वक्त तो खैर हमारे इतना वो शौरी बात नहीं थी, लेकिन हम नॉर्मली जो है ना वो सही थे। वालदा हमारी नमाज की बहुत पाबंद थी, हमें फजर की नमाज के लिए सख्ती से उठाया करती थी। वालिद साहब तो ऑलरेडी ड्यूटी पे जाते थे, तो उस वक्त भी नमाज की पाबंद थे। तो नमाज की पाबंदी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में रही है, और वालदा तो खास तौर पे फजर की नमाज के लिए मैं उठाया करती थी। और बाकी रहा सवाल, वो बाद में थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो हम दुनियावी कामों में थोड़ा सा मशगूल हो गए, दुनिया की काम वाम में मसरूफियत बढ़ती रही, चलते रहे, काम जिंदगी का चलता रहा। लेकिन जब वो हमारे बड़े भाई है, अभी वो दुनिया में नहीं है, फौत हो गए, जीता भाई साहब, क्या नाम था? वो शुरू भाई नाम भाई था मेरा बड़ा, सबसे बड़ा अल्ताफ भाई नाम था, अल्ताफ अल्ताफ, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब फरमाए, जी सवाल जी जवाब को वो आसान फोत हो बनाए। गए। तो वो शुरू में जब उन्होंने नमाज की स्टार्ट लिया था ना, वो पोर्ट कासिम में स्ट्रीमली में जॉब करते थे, तो अच्छा यही नमाजें पढ़ते, तो कभी किधर चले जाते थे, कभी किधर चले जाते थे। तो आखिर में जब उन्होंने थोड़ा सा घुमा फिरा देखा, कभी बरेवली की मस्जिद में, कभी देवबंदी की, कभी किधर, तो उनको जो है ना वो एहले हदीस मसलक जो है ना थोड़ा सा जरा सा अच्छा लगा। तो वो फिर थोड़ा हम लोग कुरान की तरफ तो उन्होंने ज्यादा तवज्जो देनी शुरू कर दी, फिर कुरान को पढ़ा, फिर ऐसे माहौल के अंदर एक तरह फिर मैं जरा उनको फॉलो करने लग गया, अपने बड़े भाई को। यार भाई भाई फिर मुझे ज्यादा दर्द दिया करता था कि आप जो ना अय्यूब साहब ये देखो ये कुरान क्या कह रहा है, कुरान क्या कह रहा है, कुरान क्या कह रहा है। तो फिर मैंने इस नतीजे पे पहुंचा कि इंसान यानी कि बेसिकली एक इंसान भी एक हैवान की तरह, ये मिसाल ऐसे देंगे मैं आपको, जाहिर से बात है जानवर का भी वही हाल है, जानवरों को भी आप देख ले वही बच्चे पैदा करते, वही सारी चीजें उनके साथ भी चलती है और हमारे अंदर भी ये, लेकिन इंसान को और हैवानात को अल्लाह ताला ने, इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, उनको अल्लाह ताला ने जहन दिया है, और इसी तरीके से हैवानात के अंदर भी कुछ ऐसे जानवर है जिनको अल्लाह ताला ने बड़ा शऊर दिया है। जैसे मिसाल के तौर पे वो बाज, जिसको कहते हैं बाज, एक परिंदा है जिसको शाहीन भी कहते हैं। आप देखो कितनी बुलंदी से वो जमीन की एक छोटी सी छोटी बारीक चीज को भी देख लेता है, तो अल्लाह ताला ने उसके अंदर वो देखो ना आंखों की सलाहियत दी ना। इसी तरीके से घोड़ा है, एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर घोड़ा किसी आप सफर कर रहे हो घोड़े के ऊपर, तो घोड़ा भी जो है ना वो मैं समझता हूँ कि वो आगे उनको महसूस होता है कि आगे क्या होने वाला है, यानी कि उसको ऐसी महसूस होता है कि आगे की क्या कंडीशन है घोड़े को, तो अल्लाह ताला ने उसके अंदर ये दिया। और इसी तरीके से आप देख लें कुत्ते को, तो कुत्ते के अंदर भी सूंघने की ऐसी सलाहियत है कि वो बता देता है कि इसके अंदर ये बात है। और हम ये उसकी तरफ से आता है, ये तीन चीजें तो मैंने आपको वैसे बता दी, और फिर आप अभी इंसानों की तरफ आ जाए, तो अल्लाह ताला ने इंसान को जहन दिया है, सबसे बड़ी चीज तो जहन दिया है, कि जहन का वो इस्तेमाल कैसे करता है। मिसाल के तौर पर एक आपकी तरफ से ही दे देता हूँ, अगर आप वकील है तो अगर आप किसी के बारे में बात करते हो तो उसको बोलते हैं भाई ठीक है यार ये मैं आपकी काम को जो ना करूँ, अल्लाह ने आपको जहन दिया है ना, तो उस जहन को आप इस्तेमाल करते हो उसके मसले को हल कराते हो, है ना ये बात। जी हाँ और इसी हवाले से अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, तो इंसान का बचपना खेल कूद में गुजर गया, थोड़ा 20-25 साल गुजर गए कमाई उमाई के अंदर गुजर गया, लेकिन 40 साल के बाद इंसान के अंदर शऊर आ जाना चाहिए, कम्प्लीटली शऊर आ जाना चाहिए कि वो बेसिकली क्या है, क्या ख्याल है आपका। क्योंकि यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत भी 40 साल के बाद ही मिली है ना। तो मैं समझता हूँ कि 40 साल के बाद भी अगर वो बंदा समझ नहीं पाए अपने लिए कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ, कैसे रह रहा हूँ, कैसे जिंदगी गुजार रहा हूँ, तो फिर वो उसके अंदर वो जो है वाना थे और इंसानों के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। हमें 40 साल के बाद इस चीज को समझ लेना चाहिए कि हमें आखिर अल्लाह को मुंह दिखाना है तो हम अल्लाह के पास क्या लेके जाएंगे। तो हमें बहुत सारी चीजें दुनिया और आखिरत के लिए हिसाब से जो है ना वो उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा कि अल्लाह ताला कुरान में बहुत सारी चीजें ऐसी लिखता है, कोई सी ऐसी चीज नहीं है जो कुरान से हमें नहीं मिलती है, ऐसी किताब नहीं है। आप कुरान को पढ़ें, कुरान को समझें, उसकी कोशिश करें और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला बहुत सारी चीजें हमारे लिए आसान हो जाएगी। मैं तो समझता हूँ मेरी तवज्जो तो इस वक्त ज्यादातर कुरान को पढ़ने में, उसके तर्जुमे और उसकी तफसीर को समझने में थोड़ा सा मैं टाइम दे रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह यही वजह है, बाकी मैंने दुनियावी मसरूफियात को अपने जरा सा छोड़ दिया है, बस ये है। युबा, लेकिन जुदा हो दीन दुनिया से तो रह जाती है चंगेजी। तो दुनिया तो आखरत की खेती है ना, दुनिया में हम जैसा करेंगे हमें दुनिया में भी अल्लाह देगा और आखरत में भी देगा। ठीक है, सही है, की बात बिल्कुल सही है।
लेकिन वो लेकिन हमें उसकी तैयारी भी तो खुद करनी चाहिए ना, आखिरत की तैयारी भी तो एडजस्टमेंट तो करनी चाहिए ना कि मैं कितनी, मैं अपना टाइम कितना इबादत के लिए दे रहा हूँ, अल्लाह के लिए दे रहा हूँ, कितना टाइम कुरान को पढ़ने में दे रहा हूँ, कितना उसको समझने में दे रहा हूँ, कितनी जस्तजू है मेरे अंदर, तो ये सारी चीजें भी मैं कब दूंगा मुझे आप बताए ना। जब हम 40 45 50 साल के बाद भी अगर इन बातों को नहीं समझेंगे तो मैं समझता हूँ फिर हम कब जाके समझेंगे। तो ये है वजह। आपके कुरान से मुझे, मैं देख रहा हूँ कि मैं पूरे दुनिया को देखता हूँ कि लोगों में तब्दीली इस कुरान ने लाया। जी जी आलम अल्हम्दुलिल्लाह। नॉन मुस्लिम जो मुसलमान हो रहे हैं वो हमारी हरकतों से, तो वो मुसलमान से बदजन हो रहे हैं, इस्लाम से बदजन हो रहे हैं, मगर सही बात है आपके, मगर वो कुरान से, कुरान से ताल्लुक की वजह से मुसलमान हो रहे हैं। जी सही है, ठीक। वो हमें कहते हैं कि यार तुम कैसे लोग हो, तुम्हारी जिंदगी में कुरान नजर नहीं आता, सही। तुम इश्क 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 रसूल तो कहते हो लेकिन इश्क रसूल की सीरत तुम्हारी जिंदगी में नजर नहीं आती। जाहिर सी बात है असलम भाई, अभी आप देखो ना, हम कुरान के अंदर अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, अल्लाह को बुलाता है ना, अजान की जब आवाज आती तो अल्लाह बुलाता है कि आ जाओ भाई, अय्यल सला अय्यल फला, नमाज की तरफ आ जाओ, ये तुम्हारे फला का रास्ता ही है। और इसी तरीके से जब हम रसूल रसूल की बात है तो रसूल के काम जो भी है, जैसे मिसाल के तौर पर दाढ़ी रखना हमारे लिए सुन्नत है, तो हमें फिर वो उसके मुताबिक दाढ़ी रखनी चाहिए ना। हम दुनियावी काम के लिए जो है ना वो छोड़ देते हैं, जाहिर सी बात है वो काटते, तो फिर हम अतीउल्लाह और अतीउर रसूल को पूरा नहीं करते ना, कंप्लीट नहीं आ रहे ना हमारे पास। तो हमें बहुत सारी चीजें जो कुरान हमें बोल रही है तो हमें उसकी बात को देखना पड़ेगा ना। जब हम कुरान को पढ़ेंगे तर्जुमे के साथ, तफसीर के साथ उसको पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा ना कि भाई कुरान हमें बोल क्या रहा है और हमारा नबी जो है वो हमें क्या चीज के बारे में बता रहा है। कि देखो भाई उसने अमल भी करके बताया ना हमें कि भाई देखो ऐसे ऐसे अमल है, ये अमल करो आप, तो हमें फिर उसके हिसाब से अमल करना चाहिए। अब सहाबा का देखो, इससे पहले भी आप देख लो अंबिया के दौरों के अंदर जितने भी रसूल जो अंबिया गुजरे हैं उन्होंने अमले साले का हुक्म दिया है कि आप नेक अमल करो, किसी को धोखा नहीं दो, किसी के साथ चिटिंग बाजी नहीं करो, खिलाफ वर्जी नहीं करो, और बहुत सारी चीजें हैं जो वो बताते रहे। लेकिन उसके ऊपर जिन्होंने अमल किया वो कामयाब रहे, जिन्होंने अमल नहीं किया वो जाहिर सी बात है उनके मामला फिर कुछ और, उन कौमों को अजाब मिलता रहा, अल्लाह ताला ने देता रहा, कौम समूद कौम ऊद कौम इस तरीके से जितने भी कौमें आप गुजरी है, आप देख लो उनके साथ क्या हुआ। अयूब भाई आप देख रहे हैं अपने गिर्द बहुत तेजी से लोगों के रवैयों में तब्दीली आ रही है। जब आप छोटे थे तो उस वक्त क्राइम रेट क्या था, और आज क्राइम तो फखर बन चुका है, स्मार्ट कहते हैं लोग उसको, वोट नहीं देते जो क्रिमिनल ना हो। जाहिर सी बात है अब वो उनके दिलों में खौफ खुदा नहीं ना, क्राइम का रेशू तो इसलिए बढ़ रहा है कि बस कुछ रास्ते ऐसे है हमारे मुल्क के, तो उस रास्तों की वजह से लोग जो है ना वो दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। अब जिस चीज को बस बहुत सारी ऐसी चीजें असलम भाई, हम क्या आपको जैसे दाढ़ी को शेल्टर ढाल बना लिया हुआ है, नमाज को ढाल बनाया, टोपी को ढाल बनाया। हाँ हाँ सही है, मैं दीनदार जाहिरी लोगों की बात कर रहा हूँ। जी 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 हाँ हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग है, ऐसे बहुत सारे लोग है जो इन चीजों से जो है ना वो करते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्या बोल सकते है? ये तो इंसान, मैं आपको बता रहा हूँ ना, असल में इसका हल जो है वो सिर्फ कुरान ही है। जब तक इंसान कुरान को पढ़ेगा नहीं, इसको समझेगा नहीं, और तो उसके बाद फिर वो हिदायत के लिए फिर बहुत मुश्किल काम है ना। वो ठीक है दुनियावी काम करता रहेगा, जो उसको मेरे वो दुनियावी काम करता रहेगा, लेकिन बेसिकली वो देख नहीं रहा ना, वो दुनिया में जो चीज़ है वो तो है ही दूसरों की, हमारी अपनी तो है नहीं वो चीज़, वो है ही दूसरों की। आप देख लो आवाज़ ना करके देख ले कि दूसरे का अगर वो बेटे के लिए रखता है तो बहु पर आई है, और अगर बेटी के लिए रखता है तो दामाद पर आया है, लेकिन जाता तो दूसरों के पास ही ना। अगर इसके बारे में अगर वो सोचेगा तो ठीक है, किसी जगह पे आके कनात करे ना वो, तो भाई ठीक है। मैंने आपको यही बात को कहा ना कि अगर वो 40 साल के बाद भी अगर किसी बात को समझता नहीं है इंसान, 40 42 साल के बाद भी अगर उसमें समझ बुझ नहीं आती है तो उसमें, और फिर वो मेरे सर में मैं समझता हूँ कि फिर वो अब जो दूसरी जो मिसाल दी है उसके साथ बराबर ही हैवानों जैसी वो जिंदगी गुजार रहे, आओ खाओ पियो मर जाओ, खत्म होगी बात, उसके बाद क्या होगा। आपने एक बात कही कि कुरान को तर्जुमे से आपने पढ़ना शुरू किया और फिर जिंदगी तब्दील होने लगी, तो मेरा ये एक जमनी क्वेश्चन है, एक मासूमाना,
कि मैंने बहुत सारे उलमाए क्राइम को सुना है कहते हुए कि वो कहते हैं कि कुरान को तर्जुमे से मत पढ़ो। पता नहीं कैसे, ये तो पहली आयत है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, हिदायत की किताब है, हो रही है सूरह बकरा की सबसे पहली आयत, ये हिदायत की किताब है, हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकियों के लिए हिदायत की किताब है। अब वो उलमा अगर वो जो बोल रहे मौलवी साहब के इसको तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ो तो भाई फिर वो अपनी मर्जी से कोई तर्जुमा डाल देता होगा, वो अलग बात है, लेकिन हमें तो पहली आयत इस बात के बारे में बता रही है कि हिदायत की किताब है, ये आप इसको पढ़ो। उसमें कौन से ऐसे मसले हैं, शरी मसले भी बहुत सारे ऐसे मसले, यानी कि इंसान के जो जायदाद के मसले, शादी ब्याहों के मसले और बहुत सारे ऐसे मसले, तलाक के मसले हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे मसले कुरान में। कौन सी ऐसी चीज है जो कुरान में नहीं है? हर चीज तो कुरान के अंदर है अल्हम्दुलिल्लाह तर्जुमे के साथ। ये अलग बात है कि आप तर्जुमा किसका पढ़ रहे हो, तफसीर किसकी पढ़ रहे हो, उसको आपको खुद थोड़ा सा, जैसे हम देखते हैं कि यार एक ट्यूटर एक अच्छा होना चाहिए, ट्यूशन पढ़ाने वाला अच्छा होना चाहिए, टीचर एक अच्छा होना चाहिए, तो आप देखो ना, आपको अगर सऊदीया वाले एक कुरान को देते हैं तो जाहिर से बात है सऊदीया एक कुरान आता है तर्जुमा तफसीर के साथ, तो वो आप देखो उनको पढ़ो। और जो यहाँ पे हमारे कराची वालों ने अगर वो कुरान को तर्जुमे तफसीर के साथ पढ़ा है तो फर्क तो होगा ना, थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन 19-20 का ही होगा, उससे ज्यादा तो फर्क नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ के और उस पर अमल भी तो है ना, अगर आप अमली जिंदगी के अंदर नहीं है तो फिर वो अमल भी आप नहीं कर रहे तो फिर तो बेकार। खाली आप पढ़ पढ़ के जो ना, अभी एक आदमी है वो कुरान तो पढ़ लेता हाफिज भी बन गया, वो एक मिसाल दे रहा हूँ, हाफिज भी बन गया लेकिन उसको सूरह फातिहा का तर्जुमा भी नहीं आता है। जब सूरह फातिहा का तर्जुमा नहीं आता है तो वो आदमी नमाज के अंदर अपनी कैसे, मैं समझता हूँ कि नमाज जो पढ़ता है अल्लाह अकबर से लेके सलाम तक का तर्जुमा हर इंसान को आना चाहिए। अगर वो इंसान अल्लाह अकबर से लेके सलाम तक का उसको नहीं आता है ना, तो उसकी नमाज के अंदर जो है ना वो नहीं होगी, यानी कि जो डर खौफ कि यार मुझे अल्लाह देख रहा है, मैं सजदा कैसे करूं, रुकू कैसे करूं, बस उसने वो बस झटके मारा सजदा में गया, सलाम फेरा और चले गया, फॉर्मेलिटी पूरी कर दी उसने नमाज की, जो फॉर्मेलिटी होती है। बहुत सारे लोग नमाज जो पढ़ते ना वो फर्ज नहीं, यार नमाज पढ़ना फर्ज है, वो फर्ज समझ के बस वो फर्ज किया, हमने फर्ज की अदाई कर दी, बहुत अल्लाह पे एहसान कर दिया, बस सलाम अलैकुम वालेकुम अस्सलाम कर वहां से भागने शुरू। मौली बाजों का तो हमने ऐसे मस्जिदों में देखा है कि इमाम साहब अस्सलाम वालेकुम बोलता है, दूसरा सलाम भी नहीं फेरता, लोग उठ के और सामने वाले आदमी के सामने से भागने शुरू कर देते। आप इतना तो वेट करो कि दोबारा दूसरा सलाम तो बोले, तो ऐसे भी लोगों को सब्र नहीं है। तो ये जो चीजें बहुत सारी आती है तो वो फिर क्यों आती है, क्योंकि उनके अंदर शऊर नहीं है, बस एक फॉर्मेलिटी है, मुसलमान घरान में पैदा हुए और मुसलमान है इसलिए चाहिए कि हम मुसलमान है खाली, तो ये तो फिर वो गलत है ना। अगर कि हम सिर्फ इसलिए पढ़ रहे कि हम खाली मुसलमान है तो ऐसा नहीं है ना, उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या करता हूँ क्या पढ़ता हूँ। अभी आप देखो तशहुद के अंदर जब हम बढ़ते अतयातुल्लाह सलावातु तय्यबातु पढ़ते हैं तो मेरी तमाम कौली फैली इबादत है अल्लाह सिर्फ तेरे लिए। अगर मैं किसी पर एहसान करता हूँ, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, अगर आप मेरे पर ये करते हो कि मैंने आपके लिए, यार अय्यूब ने मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं दिया, तो ठीक है यार मैंने अय्यूब के लिए थोड़ी किया, ये तो मैंने अल्लाह के लिए किया, मैं रोजाना अल्लाह को बोलता हूँ अल्लाह मैंने अगर अय्यूब के लिए किया या किसी के लिए भी ऐसा भलाई का काम किया है तो अल्लाह ताला मेरी कौली फैली इबादत तेरे लिए। मैं वो अय्यूब मुझे इसका सिला दे नहीं थे, मुझे नहीं है। मैं तो कहता हूँ बहुत सारे ऐसे लोगों को, लेकिन लोग नहीं करते अपने। देखो ना ये रिश्तेदारी के मामलात भी बहुत सारे ऐसे है, अल्लाह ताला हमें माफ करे। हमारे पास एक रिश्ता है, भाई बहनों का रिश्ता है, हम उस रिश्ते को आज कितना हमने जो ना उसको मिस किया हुआ है, हम छोटी छोटी बातों पर अपने भाई बहनों से रिश्ते को खत्म कर देते हैं। और जो रिश्ता दो अल्फाज वाला है वो रिश्ता हमेशा के लिए कायम रहता है। भाई ठीक है ना, अगर वो आपकी बेगम या कोई बोलता है कि भाई ऐसी ऐसी बात है, ठीक है यार कोई बात नहीं, अगर मेरे भाई ने या मेरी बहन ने अगर मुझसे कुछ ले लिया है तो कोई बात नहीं, मेरी बहन थी बजाय किसी को बताने के मेरे भाई के पास चले गया, मेरे बहन के पास चले गया ना, ये बोल के आप उसको वो कर दो, छोड़ दो, खत्म होगी बात। लेकिन हमारे नहीं यार, वो देखो तुम्हारी बहन ने ऐसा किया, तुम्हारे भाई ने ऐसा कर दिया, तो वो फिर वो जो सारी चीजें, जो रिश्ता टूटने वाला नहीं है, भाई बहनों का रिश्ता कहाँ टूटता है, टूट ही नहीं सकता है। आप देख लें किसी भी हवाले से भाई बहन रिश्ता टूट सकता है ना, भले माँ बाप मर के चले जाए लेकिन भाई बहन तो भाई बहन ही है ना।
और ये जो शादी वाला रिश्ता है ये हो सकता है कि टूट जाए, लेकिन इसको भी कायम रखना चाहिए, ऐसे नहीं तोड़ना चाहिए कि दीन इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप छोटी सी बात, एक बड़ी चीज होती है। मैं एक बात कर रहा हूँ कि एक बाप अपनी बेटी की शादी कराता है और मायदा करता है, उसमें कितने सारे लोग हैं, खाली वो निकाह ही नहीं है, उसमें कितने सारे लोग हैं, शादी की तैयारी करते 6 महीने पहले, उनका सामान लेना, उनके लिए तैयारी करना, उनके लिए कितने सारे लोग हैं, फैमिली के मेम्बरान जो शामिल है, शराकत दार है, वो मायदे को तय कर रहे। अब जब वो शादी हो गई उसके बाद अगर मियाँ को जरा सी बात बुरी लगी उसने ठक करके बोल दिया। पाकिस्तान के अंदर बहुत चीज जो मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे अंदर फीलिंग होती है इस बात की कि यार अभी किसी का निकाह हो रहा है और निके के अंदर हक में जो ना वो साले 5,000, 4,000, 3,000, 2,000 रुपए हक में रखते हैं। यार आप 3,000, 4,000, 5,000 रुपये ये वैल्यू लगाई है आप, क्या हो गया इन, मतलब लोगों को समझ में नहीं आता मेरे ये बात के बारे में कि यार ये हक में ठीक है आप वो भी नहीं रखो 3,000, 4,000, 5,000, आप बोलो भाई ये कुरान है हक में, अब बात को खत्म करो फिर अल्लाह मालिक के देखी जाएगी। ये 4,000, 5,000 रुपये कोई हकमेर की रकम होती है देने वाली? अब मैं वैसे ही जनरली बात कर रहा हूँ, ठीक है नहीं यार वो बात है क्योंकि उनके अंदर वो फिर वो आप जो है वो रहता है वो जरा सी अगर किसी ने लड़की ने उल्टी सीधी बात कर ली है आप वो नहीं देखो, आपने मायदा तो देखो ना, एक बाप अपनी बेटी की शादी करा रहा है, अपनी प्यारी सी बेटी दे रहा है, वो किसी के हवाले कर रहा है और उसने कितनी उसकी अपनी बच्ची की 20 साल 22 साल खिदमत कराया, पढ़ाया लिखाया जो किया, कि तुम एक हफ्ते बाद, हमने ऐसे ऐसे भी देखा है कि आप एक एक हफ्ते के बाद वो रिश्ते खत्म हो गए। तो अभी आप बताओ मुझे कभी पाकिस्तान में तो इन चीजों का मैं बड़ा दुख महसूस करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, ऐसे काम नहीं करने चाहिए। हमने ऐसे रिश्ते देखे कि एक एक हफ्ते के बाद जो है ना वो रिश्ते खत्म हो गए। तो ये मायदे को सोचते हैं, अल्लाह अल्लाह पूछेगा ना किसी भी बंदे से, अल्लाह तो हर चीज के बारे में पूछेगा, हर एक से सवाल करेगा कि भाई ये देखो ये तुमने ये क्या किया है, ऐसे आपने कैसे जो ना उसको वो छोड़ दिया है। तो बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान के अंदर मामला थे जो आजकल जो मैं मेडिकल के हवाले से भी देखता हूँ, ये कोरोना आया हुआ है कराची में, मेडिकल के हवाले से एक चीज जो 10 रुपए की मिलने वाली वह 40 रुपए की मिल रही है, रमजान महीने में फ्रूट पाकिस्तान में महंगा हो जाता है। तो अब ये सारी चीजें देखो ना, आज का सीजन आता है तो वो साला वो टिकट महंगा चले जाता है, कहाँ वो हम 10 रुपए का हजूरा, आज 10-10 लाख रुपए की भी हजूरा। तो मतलब ये सारी चीजें अब मुसलमानों के अंदर ये बस वो बढ़ाते रहते वो क्या चीजें, क्योंकि वो जो मैं नहीं समझता हूँ कि जो ना हर आदमी के अंदर जो ना वो कुछ खौफ खुदा है, अक्सरियत के अंदर नहीं है, लेकिन खौफ खुदा करने चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए। जब हमारा जब 50 साल 55 साल उम्र हो जाती है तो मेरे ख्याल में जैसे गाड़ी में रिवर्स गियर लगता है तो इंसानों में भी लग जाता है। तो इसके हवाले से मैं समझता हूँ कि इंसान को थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए अपना, ताकि ये नहीं कि भाई हमारे बच्चे जो है ना वो हम दफना दे, दफनाने के बाद स्वयं कराया चेलम कराया बस खत्म हो गया, बाबा ने हमारे लिए बोझ दे दिया कर लिया, ऐसा नहीं, अपनी तैयारी खुद इंसान को करनी चाहिए आखिरत के बारे में। करप्शन की एक वजह ये भी है ना कि अल्लाह से जो झूठी उम्मीदें जो बांध लेते हैं कि दुनिया में जो भी कुछ कर लो जब हम मर जाएंगे मोहल्ले के मौलवी आकर हमारे लिए कुछ पढ़ लेंगे 3 दिन बाद 7 दिन बाद 40 दिन के बाद 1 साल के बाद हमारे दर्जात को अल्लाह बुलंद करता रहेगा। दुनिया में जो भी कुछ करें हम कोई बात नहीं है, हम किसी के मुरीद हो जाते हैं बस कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जन्नत तो दे देगा अल्लाह। से मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि हम मुसलमान है ना, हम मौलवी के मोहताज है ना, हम मुसलमान है मौलवी के मोहताज है, हमें मौलवी का मोहताज नहीं होना चाहिए। बेसिकली अगर अल्लाह ना करे मेरे वालिद का इंतकाल हो जाता तो मेरे अंदर इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि मैं अपने बाप का जनाजा पढ़ाऊँ, क्या खाले गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, कि उस बेटी के अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो अपने बाप का नमाज जनाजा तो कम से कम पढ़ा सके। ऐसे बात है जिस आजीजी से बेटा अपने लिए दुआ बाप के लिए दुआ मांगेगा तो वो तो कोई और आदमी, तो इसलिए हम इस हवाले से अगर मैं बोलूंगा तो फिर हम मौलवी के हर काम में मोहताज है। अगर बाप है तो वो अपनी बेटी का निकाह पढ़ाना भी उसको आना चाहिए, वो अपनी बेटी का निकाह भी खुद ही पढ़ाए, वो मुसलमान है बेसिकली वो, तो उसको बेटी का निकाह भी खुद ही पढ़ाना चाहिए, वो मौलवी का मोहताज नहीं होना चाहिए उसको। तो हम इस जगह पे बहुत सारी जगह पे हमारी कोताहियां हैं गलतियां हैं, मैं ये नहीं बोलता हूँ, हमें इसकी इसलाह करनी चाहिए कि यार हम क्यों किसी के जो ना हर मामलात के अंदर जो ना
फिर वो भी जाहिर से बात है, अगर वो एक आदमी है मुल्तान से नूरानी कायदा पढ़ कर आया है और वो यहाँ आके मस्जिद बनाता है, तो अल्लाह उनको हिदायत दे, उनको इल्म तो है नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि भाई इसके बारे में क्या है। तो मैं तो नहीं समझता ना, और हम वही कराची वाले जो पढ़े लिखे लोग है वो समझते हम तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे है, और वो मुल्तान से आने वाला जिसने नूरानी कायदा आपको चरिया बना बना के आपसे पैसे ले रहा है, फिर वो तो आप इसको कहाँ तक रोगे, क्योंकि आपके पास भी तो इल्म होना चाहिए ना, थोड़ा बहुत पढ़ना तो चाहिए ना। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत 40 साल, 40 साल के बाद भी अगर इंसान बाशऊर नहीं है तो ये समझ में नहीं आ रहा है ना। ठीक है, अगर आपने मुझे अभी देखा है तो मेरे अंदर भी तो बाशऊरियत अगर इसीलिए आई है ना यार, मैंने मैंने इस पर सर्च किया बहुत ज्यादा कि अतीउल्लाह अतीउर्रसूल, दिल का हुदूदुल्लाह, अल्लाह के हुदूद को क्रॉस नहीं करो, ठीक है ना। एक तो कुरान बार बार इस बात को लिख रहा है, फिर अतीउल्लाह अतीउर्रसूल, कभी भी इमाम का जिक्र नहीं है। तो जब अतीउल्लाह अतीउर्रसूल अय्यालसलाह की आवाज आती है तो हमें आ जाना चाहिए ना, फिर नबी ने जो तरीका हमें बताया हमें उसको फॉलो करना चाहिए, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तरीका नमाज का बताया, हम कोशिश ही नहीं कर रहे ना। जब हम कोशिश नहीं कर रहे तो फिर हमारी इसमें गलती है ना, उसमें किसकी गलती है, हमारी अपनी गलती है कि भाई हम उसके अंदर कोशिश ही नहीं करें कि यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का तरीका क्या बताया, हमें कैसी पढ़नी चाहिए। जो हम पूरे 24 घंटे के अंदर 5 दफा नमाज पढ़ते हैं, वो कोई बड़ी बात है कि अगर कोई 5 दफा पढ़ लेता है, कोई 3 दफा, कोई 4 दफा पढ़ता है, कम से कम उसके अंदर इतना वो तो हो ना कि यार नमाज पढ़ा हूँ, अल्लाह के आगे सजदा गो हो रहा हूँ, सुबहान रब्बिल आला, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, बोलता है नाक रगड़ के माथा टेक के बोलता है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद बैठने के और बोलता है अल्लाह ताला मैं तेरी कोली फेली इबादत है अल्लाह तेरे लिए करता हूँ, फिर या कनाबुदू या कनसी, अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं तुझी से मदद मांगते। करने के बाद फिर उनका सर्कल कहाँ जाता है, तो देखे ना उस सर्कल को भी तो नोट करें ना कि वो सर्कल मेरा जाता कहाँ है। फिर आप देखो याया अलैहि सलाम जिक्रिया के जो बेटे, कितनी उम्र के बाद उनको याया हुआ है और अल्लाह ने उनका नाम भी याया रखा है। आज हमारे पास अगर 1 साल बच्चा किसी को पैदा नहीं होता तो पता नहीं तावीजों के लिए कौन कौन, तो ये क्या चीज है। सबर भी तो अल्लाह ताला ने बोला ना कि आप सबर को इस्तेमाल करो ना, सबर जाओ अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करेगा इंशाल्लाह। आप अल्लाह से उम्मीद तो रखो, तौबा तो करो, अस्तगफार तो करो, नमाज की पाबंदी तो करो, अल्लाह से जिक्र तो करो, हो सकता है अल्लाह आपके लिए कोई आसानी वाला रास्ता बना देगा। लेकिन बात यह है कि फिर हमारे पास फिर सबर भी नहीं आता है, फिर सर्कल घुमाते हैं दूसरे सर्कल में, फिर दूसरों को फायदा होने शुरू हो जाता है। तो वो तो फायदा की एक जगह है ना उनके लिए, वो कभी भी नहीं बोलेंगे कि यार नहीं आप जो है ना ऐसे काम करो, नहीं नहीं आप आ जाओ हम इंशाल्लाह आपके लिए करेंगे, फिर वो अपने हिसाब किताब से वो चेक करते। और मेरी बात ज्यादा तो नहीं होगी यार भाई, कुछ? एक बड़ी जबरदस्त आपने बात की थी कि ये तो नमाज माफ किन किनको है। हाँ, ये मैंने आप सवाल किया था कि भाई ऐसे 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 कौन से शख्स है शामिल है जिसके ऊपर नमाज फर्ज नहीं है, तो वो जाहिर से बात है एक पागल शख्स है जिसके ऊपर नमाज फर्ज नहीं है। और इससे दो बातें निकलती है ना कि भाई पागल शख्स है जाहिर से बात है उसके अंदर वो समझने की सलाहियत ही नहीं है, तो उसका नमाज का फायदा नहीं है ना। तो यही फिर आम आम आदमी ले ले अपने अंदर के देख ले महसूस करके कि यार जब मेरे अंदर नमाज के पढ़ने की जब मैं पढ़ के आ रहा हूँ मेरे अंदर इसी बात के समझने की सलाहियत ही नहीं है, तो फिर मैं भी तो शायद उसमें शामिल तो नहीं हूँ उन्हीं पागलों के अंदर। तो आप देख लेना उसका जायजा ले कि हर इंसान को इस बात के बारे में सोचनी चाहिए। ये तो मैंने आपसे सवाल किया था कि भाई हाँ ये बात है, तो ये भी मैंने जाहिर से बात है जब उसकी डीप में गया है तो मुझसे भी किसी ने बोला है कि हाँ भाई ये बात है। तो बहुत सारी एक चीज है, तो अब बहुत सारे मैं आपको जो है ना पता नहीं कौन कौन से अगर बोलूंगा तो अगर कोई मेरी वीडियो मेरी सुन लेगा तो बोलेगा पता नहीं ये क्या बात करता है, कैसी बात है। जो हक बात है वो हक का जो नाजिल करदा खालिक है वो तो कहता कि हक बात को तो एहसन तरीके से मोहब्बत के साथ करना चाहिए, और आप तो करते हैं। जी जी अलहमदुल्ला, जैसे ये अभी बात की आपने कि पागलों पे नमाज माफ है, बच्चों पे नमाज माफ है, सोए हुए पे नमाज माफ है, तीन तीन तबके के ऊपर नमाज माफ है। क्यों? वजह आपने ये बताई कि वजह उसकी ये है कि जी वो पागल है, वो तो समझ ही नहीं रहा कि वो क्या कर रहे हैं। एक नशा करने वाले पे नमाज
के करीब मत जाओ, इसका मतलब ये नहीं कि नशा ही करते रहो, तो एक पागल क्यों। तो ये माशरा जो है ये नमाज पढ़ते हुए भी नमाज से फायदा नहीं हासिल हो रहा है इनको। इसीलिए तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ ना कि वो जो भी हजरात है उनको चाहिए ना कि मैं अल्लाह को सलाम फेरने तक के जो भी मैं पढ़ता हूँ तो उसके बारे में मुझे पता होना चाहिए। ये तो रूटीन वर्क है ना, सूरह फातिहा है और उसके सुबहान रब्बिल अजीम है, सुबहान रब्बिल आला है, अतयात के अंदर जो बैठते ये दुआ तो कम से कम पढ़ना होता है ना, तो ये तो कम से कम इसका भी तो तर्जुमा आना चाहिए ना कि भाई ये ठीक है अगर मैं ये पढ़ रहा हूँ तो। मैं तो बात कर रहा हूँ ना तो इस हवाले से तो जाहिर से बात है अगर वो भी ये बात को नहीं समझ रहा है कि यार वो ठीक है यार वो रोटी चलेगी। यदि आपका कहना ये है तकबीर से लेकर तस्लीमात तक, जी जी तकबीर से लेकर यानी अल्लाहु अकबर से लेकर तस्लीमात तक का हमें अपनी जुबान में इल्म होना चाहिए। जी 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 हाँ सही बात है, होना चाहिए, तभी जिंदगी में तब्दीली आएगी, वरना 40 साल हो या 80 साल। हाँ हाँ वो तो जाहिर से बात है, लेकिन वो 40 साल का मैं इसलिए हवाला नहीं दे रहा हूँ कि वो 40 साल, जाहिर से बात है एक बाशऊर आदमी हो जाता ना 40, 45, 42 साल के बाद उसमें कोई चीज जो नासमझी वाली होती है। बचपना चलो उसने खेल कूद में गुजार दिया और जवानी जो 20-22 साल की उम्र में ऐसे शुरू हो गई है तो उसने चलो कमाने में और दूसरी चीजों में गुजार दिया, लेकिन 40 साल 42 साल के बाद कि मुझे आगे क्या करना है, उसके बच्चे पैदा हो गए, उसकी फैमिली है, तो अब वो उसका आगे वो उसको शौरी जिंदगी के अंदर आ गया, अभी मैं उसको लेके कैसे चलूंगा। तो मैं तो उसके हवाले से ये बात को कह रहा हूँ कि 40 साल के बाद भी अगर वो शौरी जिंदगी के अंदर किसी बात को नहीं समझता है, बहुत सारे ऐसे मामला थे जिसके अंदर वो लोग जो है ना वो इन बात को नहीं समझते। मैंने एक बात को और भी शायद आपको कहा था कि जैसे कि हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग जो है ना वो रात को जो पजामे पहन जाते और उसी पजामे में सुबह फजर में आए तो ठीक ही नहीं, तो जोर में भी आ रहे असर में भी आ रहे, तो कम से कम सोने वाले कपड़े तो वो उससे अलग तहारत के हिसाब से आपको ख्याल करना चाहिए इस बात के बारे में। और मैंने तो इतनी भी शायद थोड़ी सी डीप के अंदर गया हूँ कि मुझे तो पेंट वाली नमाज भी जो है ना थोड़ी सी भारी लग रही, मुश्किल लग रही है, पेंट के साथ जो पेंट और शर्ट के साथ जो नमाज पढ़ी जाती है मुझे थोड़ी सी जो फीलिंग होती है। अगर टाइट हो, अगर टाइट हो तो एक जी जी। एक चीज है कि वो कपड़ा जो है उसकी जो उसके जो फायदे वो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि टाइट होने से जिस्म नजर आएगा, बारीक होने से भी जिस्म नजर आएगा, शॉर्ट होने से भी ये तहारत का मसला आ जाता है, लिबास का मसला आ जाता है। लेकिन अपने औज़े जी जी बोलो बोलो। लेकिन जो आप 40 साल की बात कर रहे हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि चूंकि वो बड़े पुख्ते हो चुके हैं ना, जिस काम में उनकी 40 साल तक का वक्त गुजरा है, जो काम करते हुए वो 40 साल गुजार चुके हैं, उसी में वो पीएचडी हो चुके हैं ना भैया, तब्दीली ले आए ना अपने अंदर। अब आप मैं तो यही तो आपसे कह रहा हूँ ना, कैसे आप तब्दीली नहीं लाओगे जब आप दोगे और नमाजों को जरा सा टाइम दोगे। अब ये बताते हैं कि ईशा की नमाज और फजर की नमाज से गाफिल अगर आप रहोगे तो फिर आप कहाँ जाओगे बताओ ना। तो अगर जब नमाज पढ़ लिया तो वो नमाज तो फिर नहीं है ना, कि आपने 12 बजे उठा सो के तो फजर की नमाज पढ़ ली, फिर वो अपनी मर्जी से मूड ना कि आप जो ना वो करें, फिर आप टाइमिंग की जो वो नमाज का वक्त है उस नमाज को वक्त पे तो अदा करें ना। अगर कजा के बाद एक बात करो, मैं फजर की नमाज का टाइम मैं समझता हूँ कि अगर 4 बजे फजर का टाइम तो आप उसको 3:30 4 बजे नहीं पढ़ सकते हो ना, नहीं पढ़ सकते हो या पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते ना। तो इसी तरीके से अगर वो नमाज का टाइम हमारा 5:45 बजे खत्म हो रहा है तो फिर आप कैसे 10 बजे 11 बजे 12 बजे सोकर उठ, तो आप देखे ना, ठीक है कजा हो गई यार, ये कैसे कजा हो गई है आप देखो ना। मकसद इसका मतलब है कि वो चीज आपके अंदर आई नहीं, चलो एक दफा होना, दो दफा होना, अगर रूटीन वर्क में एक आदमी सुबह 10 बजे उठ रहा है 11 बजे उठ रहा है तो नमाज पढ़ रहा है तो वो फिर उसको कजा तो हम नहीं कहेंगे ना, कैसे आप कजा कहोगे। ये बड़ी अच्छी एक बात कर दी, चूंकि बात ही बात से निकली कि हम दोस्तों को यही बताते ना कि अगर आपने देर से उठे तो उसी वक्त उठ करके वजू करके नमाज पढ़ ले, वो जोहर तक का इंतजार ना करें। हमने बेशुमार मैं तो चलो
जी सही मैं है। आपके मस्जिद में इतकाफ पे था, वहां मैंने साथियों को देखा मस्जिद में बैठे हुए हैं, उनकी फजर जी ठीक निकल गई। है मस्जिद में है ना, ठीक है। निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन ऐसे सोए शैतान ने, ठीक है सो के उठे। अब उनको हम कह रहे हैं कि भाई नमाज पढ़ लो, कहते हैं जोहर के वक्त पढ़ेंगे, उलमा इकराम यही फरमाते हैं। गलत, मेरे हिसाब से गलत है ये, क्योंकि देखो मैं एक बात करूं अभी एक हदीस मस्जिद में है, असर की नमाज का टाइम ठीक है ना, और देवबंदी मस्जिद में वो नमाज असर की शाम को 6 बजे हो रही है, तो आपको पता है नमाज का वक्त शुरू हो गया, तो आप 6 बजे तक वेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको नमाज पढ़ लेनी चाहिए नमाज, और अगर आपको जमात के साथ बाद में मौका मिलता है तो फिर ठीक है, और नमाज के साथ जमात के साथ भी बाद में पढ़ लो। अगर आपको 4 बजे आपको असर की टाइम मिल जाता है, आप नहीं जा सके किसी वजह से, तो आप टाइम वेस्ट नहीं करो। आपको क्या पता है कि मैं अगर 4 बजे मेरी असर का टाइम शुरू हो गया, 4:30 बजे अगर मौत वाकई हो जाती है, तो आप कौन से टाइम में गए हो, तो आपकी नमाज तो असर की गई ना जानबूझ के। आप मुझे बताओ उसका कैसा जवाब दोगे आप, तो आप जानबूझ के लेट नहीं कर सकते। ये तो ठीक है आप जैसे आपने उठा है 10 बजे, लेकिन अगर आप उसको आधी बना रहे हो कि रोजाना सुबह उठ के 9 बजे या 10 बजे या फजर के टाइम को आप जाया कर रहे हो, तो ऐसी बहुत सारी हदीसें हैं जिस पर बोला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैं तो साहबा को लेके जाता हूँ, उनके घरों पर आग लगाता हूँ, लेकिन बच्चों की वजह से मैं पीछे हो रहा हूँ, तो वो किस लिए बोला कि वो फजर की नमाज के वक्त को जाया कर रहे। फिर मुनाफिकत कहाँ पर है, ईशा और फजर की नमाज है कि जो शख्स ईशा की नमाज और फजर की नमाज को तर्क करता है तो वो मुनाफिकत के दायरे में आता है ना, वो मुनाफिक आदमी फिर वो, अगर नमाज का पाबंद है वो, तो क्योंकि 5 टाइम जमात के साथ नमाज में और घर में नमाज पढ़ने में भी फर्क है, 28 दर्जे नमाज का सवाब है जमात के साथ पढ़ने में, और 1 दर्जा अब आप घर में अगर नमाज पढ़े हो तो 1 ही नमाज है आपकी, और अगर वही नमाज आप मस्जिद में जाके पढ़ते हो तो 28 दर्जे सवाब है, खाने का 1 लाख नमाज का सवाब है, मस्जिद नबवी में पढ़ते तो 25,000 का सवाब है, तो दर्जात अल्लाह ताला ने फिर किस लिए रखा हुआ है, वो इसीलिए तो रखा है कि आप वर्क करो। एक नाबीना साहबी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दिया, फिर बाद में मना कर दिया कि नहीं आपने मस्जिद में आना, तो ये फिर ये सब क्या था, तो आपको तो मस्जिद में जाना है ना, मर्द हजरात के लिए तो मस्जिद लाजमी है, औरत के लिए है कि चलो ठीक है वो घर में नमाज पढ़े, तो सहूलत दिया औरत को, लेकिन वो उसको भी टाइम पे पढ़ना है, ये थोड़ी कि औरत का जब दिल करे वो पढ़े, लेकिन नमाज का वक्त हो गया औरत को काम छोड़ के नमाज पढ़नी चाहिए। अब ये थोड़ी कि वो मगरिब की नमाज के लिए अगर बैठी है तो अभी पढ़ लूंगी मैं बाद में, असर का टाइम हो गया वो पढ़ लूंगी बाद में, नहीं वो टाइम शुरू हो गया अपने काम, तो ये तो सारी चीजें होनी चाहिए। मनौरा में देखा है एक मस्जिद, बहुत खूबसूरत मस्जिद, मस्जिद की तस्वीर वगैरह सब मैंने ली थी, लेकिन वो मिस्टर जैद के पास रह गया है, तो वो मस्जिद शाफी मस्जिद है गालिबन, है ना, शाफी जामे मस्जिद है हाँ, उसका नाम है शाफी जामे मस्जिद। आप वही पढ़ा करते थे नमाज? असल में वो हम लोग जो मनोड़े के रहने वाले ना, हम लोग पहले तो हमें इतना इल्म नहीं था, लेकिन हम वो इमाम शाफी को फॉलो करते थे, हम इमाम शाफी के मानने वाले हैं, तो हम जितने भी जो मनोड़े की जो लोग वो हमारे मनोड़े के, हमारी जो बिरादरी है ना कोकन बिरादरी के नाम से, हम लोग हमारी बिरादरी कोकन बिरादरी के नाम से है, तो हम लोग जो है ना वो ज्यादातर इमाम भी हमारे यहाँ पे सेक्टर 9 के अंदर कोकनी के हिसाब से कोकन फाउंडेशन भी हमारी आप फेसबुक पे देखोगे चलती है, और दूसरी बात ये हमारे कोकन फाउंडेशन तकरीबन 100 आदमियों को तो खाना राशन देती है हर महीने का, 100 से 150 का राशन देती है हर महीने का देती है, वो हम लोग जो है फिर हमारा अपना कब्रिस्तान की जगह है कोकन कब्रिस्तान के नाम से, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो जो है वो हम कोशिश तो करते हैं। आपकी बिरादरी जो है वो अपने गरीब जो मजबूर लोग हैं उनको राशन देती है और दीगर भी मदद फराहम करती है। जी 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 हाँ, और ये हमारे ये नहीं है कि हम सिर्फ अपनी बिरादरी को, अगर कोई और भी उसमें नाम लिखाता है तो हम उनको जाके देखते हैं कि वाकई अगर वो उनका शौहर है वो 10 से 12 हजार रुपए कमा रहा है और उनके 4 बच्चे गुजार से बात है 10 से 12 में उसका गुजारा नहीं है, तो फिर हम जो राशन की एक थैली होती है जो 7,000-8,000 जितने की भी थैली होती है, फिर हम हर महीने उसका घर को देखते हैं, उनको जाके देकर आते हैं। तो ये क्या आप लोग खुद करते हैं या आप लोग बादाफ्ता ऑर्गेनाइजेशन आपकी टीम? नहीं, हमारी है हमारी पूरी टीम है, ये हमारी पूरी टीम है, अगर किसी के पास कफन दफन का भी इंतजाम नहीं है तो वो सारा हम जो है वो हमारी जमात करती है।
कोकन जमात के नाम से, कोकन फाउंडेशन, आप देखोगे कभी फेसबुक पे आपको मिलेगी, तो वो हमारी वो सारे ये काम को करती है। तो ये कोकन है, ये क्या पाकिस्तानी है, इंडियन है, बांग्लादेशी है? नहीं, असल में हम बेसिकली हम जब ये इंडिया पाकिस्तान एक था ना, तो हमारे जितने भी जो लोग है ना वो जहाजों पे काम करते थे, तो ये पहले जो ये केपीटी पोर्टर्स जो है ना, जिसपे आप शायद गए भी थे मेरे साथ घूमने के लिए, ये केपीटी तो ये इंडिया के उसके उसमें था ना, जो यहाँ रह के वो इधर के हो गए, जो वहां रह के वो वहां के हो गए, तो वो बंगाली भी हमारे साथ शामिल थे बांग्लादेशी, जब वो बांग्लादेश अलग हो गया तो बंगाली सारे उधर चले गए, तो वो फिर हम लोग ही रह गए कोकनी लोग वहां पे। ये शाफे जामे मस्जिद है, वो बंगालियों ने कोकनियों ने मिलकर ये जमात को बनाया, मस्जिद बनाया। नहीं, मछेरे वालों में नहीं है, नहीं नहीं हमारा मछेरे से नहीं है ताल्लुक है, हमारी एक वो बहुत बड़ी कोक इंडिया से भी अगर आप बिलोंग करोगे ना देखोगे तो आपको इंडिया से मिलेंगे, जो गांव देहात के अंदर जो लोग होते ना गाँव में, ये कोकन के नाम से अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिलेगा, जैसे हरनई शहर है, अंजिरला है, ये सब हमारे, हरेश्वर है, ये सब हमारे गांव में, आप देखना कभी सर्च करना, हरनी शहर लिखना, अंजिरला लिखना, हरेश्वर लिखना, ये सारे हमारे गांव में, ये हमारे बाप दादा वगैरह वहाँ के होते थे। तो कोकनी में इस्लाम कब आया आपके ख्याल में? ये तो बहुत पुरानी बात है, जाहिर से बात है इस्लाम तो उसी दौर में आ गया होगा, तो मैं तो खैर बहुत पुरानी यानी कि वो हूँ, लेकिन इस्लाम तो खैर है शुरू से ही है, अब इसके बाद वो पढ़ना पड़ेगा, इतना पढ़ा नहीं लोग जो है वो यानी कि वो अगर हम नजर आए हैं कोकनी लोगों का दीन से बड़ा गहरा ताल्लुक नजर आता है, कम से कम हम आपको तो देख रहे हैं आप लोगों को। नहीं असल ठीक है वो बात है, लेकिन हम लोग बांग्लादेशियों के साथ भी रहे ना, तो नमाज की तो हमने पाबंदी, मैंने आपको बताया ना वालिद के दौर में भी थे, वालदा हमारी ऐसा टाइम होता था, आज हमें महसूस होता है, हमारी वालदा ऐसा करती थी, हम नमाज अगर शायद नहीं भी पढ़े ना तो हमारी वालदा हमें मार के उठाती थी कि फजर की नमाज पढ़ के आओ, तो जब हम फजर की नमाज अगर मूड नहीं हो रहा तो हम साले बाहर से राउंड लगा के आते थे, तो लेकिन अम्मी को ऐसा लगता था कि ये नमाज पढ़ कर आ गया बच्चा, यानी कि वालदा ऐसी होती थी। आज आप देख लें कि क्या पोजिशन है आज के दौर के अंदर, माए बच्चों को कहाँ उठाती फजर की नमाज के लिए। अच्छा, जो आपका जो मनौरा के एरिया वहाँ मेजोरिटी कोकनी थे हा? जी जी हाँ मेजोरिटी, जी जी मेजोरिटी कोकनी, तो उसमें अभी तो वो लोग सब वहाँ से मूव कर गए। असल में वो हमारे जो केपीटी के जो मामला थे ना, वो जो रिटायर होते रहे ना, तो रिटायर होने के बाद फिर उन्होंने अपना घर लिया, तो घर लेके फिर वो केपीटी तो वो हाउस रेंट काटती थी, तो जहर से बात रिटायर हो गए तो वो हाउस रेंट के पैसे अब कैसे देंगे वो, तो वो मकान फिर उन्होंने अपना अपना खरीद लिया, जिनके पास बच्चों को नहीं लगाया। नहीं किसी के बच्चे लग गए ऐसी बात नहीं है, किसी के बच्चे लग भी गए और किसी के बच्चे, मेरा भी एक भाई था केपीटी में, वो भी अभी शायद रिटायर हो गया, अभी भी रिटायर हुआ, एक साल हो गया उसको, तो ऐसी बात नहीं है, तो किसी के बच्चे लग जाते थे, किसी के बच्चे नहीं लगते थे, ऐसी चक्कर आप नहीं लगे। बस मैं नहीं लग सका किसी वजह से। नहीं वो सही है, जरूरी नहीं है, दुनिया तरक्की कर रही है और किराए के बजाय अपनी हो, अपनी शनाख्त हो, अपना घर हो, अपना कारोबार हो। जी अगर वो मस्जिद देखकर बड़ा मुझे बड़ा मुझे बहुत ही खुशी हुई और उसकी बहुत सारी तस्वीरें वगैरह वो मिस्टर जैद के पास रह गया, वो बड़ी हाँ कोशिश हम कर रहे हैं कि उन लोग हमें भेजे ताकि हम उसको देख करके अपने रूह को ताजा करें। घूमते हुए बाकर और पता नहीं कहाँ तक अभी सफर में है वो, देखिए। चले ठीक ठीक है सर, और सब ठीक है, आप बताएं। आपके आपके दौर में, आपके उस जमाने में जब आप बचपने में 10 साल 15 साल उस वक्त वहां पे एक मंदिर भी मैंने देखा, ठीक, और ये भी मैंने देखा कि वो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उस पे कुछ तामीरात का काम हो रहा है, तो उस जमाने में सब आपस में मिलजुल करके लोग रहते होंगे, हाँ क्या ख्याल है? नहीं जाहिर सी बात है, वो मंदिर भी है, वो गिरजाघर भी है, वहां पे गैर
मुसलमान भी है वो रहते हैं, वो मैंने आपको बताया ना, वो जब इंडिया पाकिस्तान तो यहाँ के रहने वाले वो इधर रह गए, दोबारा गए नहीं, वो जिनको जाना था वो फ्लाई वो चले गए, लेकिन जो यहीं रह गए वो तो रह गए, लेकिन जाहिर से बात है वो दौर में समंदर के किनारे था। ये तो पहले की बनी हुई, ये हमारे उसकी नहीं बनी है, ये तो उसी टाइम की बनी हुई, तो इसमें ये सब थे हिंदू मुसलमान सब थे इसके अंदर, तो वो जाहिर से बात है फिर वो ऐसा हुआ नहीं कि अल्लाह ना करे मकसद किसी किस्म का। मुसलमानों की ये खूबी है कि मुसलमान कभी किसी के इबादत गाह को नहीं जलाते तोड़ते फोड़ते, ये खूबी है, वो कभी भी ऐसा वो नहीं, हमने जो ना वो वहाँ पे किसी ने ऐसा किया है, वो सही जो उनके लोग है वो उनका ख्याल कर रहे हैं, अपने हिसाब किताब से ख्याल करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं मुसलमान लोग। जी तो उस जमाने में जो है आप ये कह रहे हैं कि जो बड़े हैं वो नमाज की तरफ रागिब करते थे और आप लोग जाते थे साथ, इखलाकी मेयार उस जमाने में बड़े का क्या, बड़े और बच्चों के दरमियान क्या रिश्ता होता था, कुछ बताइए। जैसे अब तो बड़े बच्चे को सवाल ही पैदा नहीं होता इस्लाह करे, कोई बच्चा छोटा सिगरेट पी रहा है, बड़े अगर उसको मना करेंगे तो मुश्किल में फंस जाएंगे बेचारे बड़े। असल में इसमें शायद मैं से समझता हूँ, ये जो आपने बड़ी अच्छी बात करी है इसके बताइए, क्योंकि अगर हमें तो इतना समझता था कि मैं चाचा तो दूर की बात है, मैं अपने चाचा के दोस्तों से डरता था कि हम समंदर के किनारे अगर चले जाएं तो हमारे चाचा का कोई दोस्त देख ले तो वो बोलेगा देख तेरा भतीजा जो है ना वो वहाँ पे था, तो हम अपने चाचा के दोस्तों से डरते थे और वो हमें फिर बाकायदा डांटते थे। और दूसरी बात ये होती है कि अगर हम कोई गलती करते थे ना, हमारे वालिद तो दूर की बात है, अगर हमें चाचा भी जो है ना वो कोई एक थप्पड़ लगा के देता तो ना हम ऑफ करके बोल नहीं सकते थे, लेकिन आज का दौर आप देख लें कि आप अपने भतीजे को कुछ बोल ही नहीं सकते, तो ये रहा है हमारे टाइम के अंदर। तो हमने तो हमें तो बहुत हमारे चाचाओं ने हमें हमारे पर गलती पे हमारे टोका है, हम सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम अपने चाचा के सामने पान सिगरेट तो दूर की बात है, पत्ती वाला पान भी नहीं खा सकते थे कि चाचा देख रहा है तो देख लेगा यार तूने पान क्यों खाया, एक थप्पड़ लगा के वो चेहरे पे दे देता था, तो हमारी ना वालदा की हिम्मत होती थी ना हमारे वालिद की, बोलते थे कि तूने बेटा क्यों मारा है, तो ये तो सिगरेट। लेकिन आज के दौर में थोड़ा थोड़ा सा ये मुश्किल है कि चाचा भतीजा जो है ना वो बहुत मुश्किल है, चाचा नहीं बोल सकता अपने भतीजे को, तो वो भाभी, ये थोड़ा सा है मसला पाकिस्तान के अंदर, आम आदमी की बात कर रहा हूँ, अक्सरियत में है ये, लेकिन जाहिर सी बात है हमारे जो टाइम था वो कुछ और टाइम था, ये टाइम कुछ और है, ये बच्चे ज्यादा तो पढ़ लिख गए तो जरा चैंपियन हो गए, यानी ये हम बोल सकते पढ़ने लिखने के बाद इंसान में तो और इंसानियत आनी चाहिए, आनी चाहिए ना, लेकिन वो तो असल में उसके वालिद के ऊपर भी तो डिपेंड करता है ना, अगर चाचा ने उसके मारा है या किसी ने बड़े ने उसको तो बेटा तेरी गलती होगी ना, जिसकी वजह से तो बड़े ने बोला है, लेकिन यहाँ तो आप मस्जिद में भी अगर बच्चा मस्ती कर रहा होता है बच्चे को बोलो तो उनके वालिद साहब आके खड़े यार तुमने मेरे बच्चे को काम काम कर डांट दिया, आप मस्जिद के अंदर की बात कर रहा हूँ, तो अभी आप क्या किसको बोलोगे कि बेटा आप ये गलती कर रहे हो, आप मुझे बताओ ना, वो फिर जाहिर से बात है डर लग रहा है लड़ाई के झगड़ा बन जाता है, वो लड़ाई हो जाती है लोगों के अंदर जो ये बात आ जाती है, आप मस्जिद में भी नहीं मना कर सकते। लोग अब तालीम याफ्ता तो हो गए हैं, लेकिन ये तालीम याफ्ता को हम ये क्यों ना कहें कि ये पैसा कमाने वाले तालीम याफ्ता हुए हैं, ये कैसे, क्योंकि ये तो बहरहाल मैंने आपको बताया ना एक रिश्ता ऐसा है भाई बहनों वाला, तो उसको हमेशा जो है वो कायम रखना चाहिए, अगर मेरे जेब में मिसाल एक दे रहा हूँ मेरे जेब में पड़े हैं और मेरी बहन मेरे से अगर 4,000-5,000 रुपये मांग रही है तो मुझे उसको ना नहीं करना चाहिए, मेरे पास जेब में फालतू पड़े ना कोई बात नहीं, अगर मेरी बहन ने मेरे से मांगा तो मैं उसको दे दूँ, बहन भाइयों के रिश्ते ऐसे है ना, अगर वो ले लिया उसने ना दिया तो मैं समझता हूँ कोई ऐसी बात नहीं है, उसको नहीं वो करना, अगर वो चाचा बड़ा आदमी बोल रहा है किसी बच्चे को डांट रहा है तो लाजमी बात है बच्चे के अंदर कोई गलती होगी ना, लेकिन ये जो बड़े फिर पलट के उल्टा जवाब देते ना फिर उससे फिर वो बड़े आदमी का दिल नहीं करता कि मैं किसी बच्चे को कुछ बोलूं, तो आप बताए ना वो उनको नहीं होना चाहिए ना ये शऊर फिर कैसे आएगा आपके अंदर, आप बताए ना, ये अभी एक एक आदमी पकड़ पकड़ के तो नहीं बोल सकता ना यार आप किस जगह पे खड़े हो आप कैसी बात कर रहे हो, अगर मैंने उसको बोला तो इसने ये गलती करी है ना, ऐसा भी है फिर आप क्या करो, एक आदमी एक बच्चा मैं वैसी बताता हूँ ऐसी बात करूँ कि वो एक बच्चे को ड्राइवर रखा हुआ उसने
मस्जिद ड्राइवर होता है ना, गाड़ी का ड्राइवर जो होता है, बच्चे को ड्राइवर रखा हुआ उसने, वो क्या करता है वो मालिक के साथ आता है नमाज पढ़ने के लिए। अब जैसे ही इमाम अल्लाह अकबर बोलता है वो बच्चा पीछे से गायब हो जाता है, वो गाड़ी वाड़ी चलाता घूम फिरता, उसको पता है 10 मिनट के बाद जमात खत्म होगी, फिर आके लाइन में मिल जाता वो। तो आप बताओ ना, ये चिटिंग बातें जो होती है ना वो अजीब अजीब सी होती है। नहीं समझे मेरी बात? ऐसे करते करते वो 40, 50, 60, 70 साल का हो जाता, फिर माशरे के लिए रसूल बन जाता है, क्योंकि वो स्मार्ट कहलाता है ना। जी 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 वो तो बात की माशरे का मैं बता रहा हूँ कि आजकल जो है ना वैसे बहुत सारे जो है ना वो है, वो एक बात थोड़ी है कि, जी जी बहुत सारी ऐसी बात है, लेकिन इंसान अगर वो कोशिश करे ना। एक किसी ने वाकया सुनाया था, बड़ा अच्छा वाकया था कि मस्जिद के हवाले से, कि एक औरत ने यानी कि दीन में दाखिल होगी और उसने बोली मैं नमाज वक्त पे पढ़ा करूंगी, तो नमाज वक्त पे पढ़ने की वो आदी हो गई नमाज पढ़ने के लिए। तो इत्तेफाक की बात है कि वो अजान होती थी वो नमाज पढ़ लेती थी अजान होती। तो एक दिन उसके शोहर ने उसकी ख्वाहिश करी कि मेरे कुछ दोस्त आ रहे तुम जो ना वो खाना बना लो ये खाना। उसने कहा ठीक है। वो खाना बनाने के बाद जो ना वो अजान का टाइम हो गया, वो नमाज पढ़ने लगी। जब नमाज पढ़ने लगी शोर साहब आए अपने दोस्तों के साथ, तो वो नमाज में मशगूल थी। शोर ने देखा कि मेरी वाइफ जो है ना वो नमाज के अंदर ही मशगूल है। तो खैर वो उन्होंने 2-4 मिनट वेट किया, लेकिन उसके बाद फिर ये रिजल्ट निकला कि वो नमाज के अंदर ही जो है ना वो सजदे के अंदर वो अल्लाह को प्यारी हो गई। तो देखो इंसान की नीयत के ऊपर, उसने इरादा करी थी कि मैं नमाज पढ़ूंगी टाइम पर, और देखो अल्लाह ताला ने उसको सजदे के अंदर, उसने काम छोड़ी और वो नमाज के दौरान ही जो है ना वो अल्लाह को प्यारी हुई। तो ये सारी चीजें इंसान के ऊपर डिपेंड करती है कि वो इंसान के, जब अल्लाह ताला तो दिलों के हाल को जानता है, तो अल्लाह ताला जब दिलों के हाल को जानता है तो इंसान के अंदर भी तो ये थोड़ी सी क्वालिटी होनी चाहिए ना कि मैं किस कदर जो है ना वो आगे बढ़ूं, नहीं बढ़ूंगा। बिल्कुल, जैसा जैसा अमल, जैसी नीयत वैसी अमल, और फिर वैसे ही अल्लाह आखरत देता है हम लोग आखरत देता है। इसीलिए कोशिश करना चाहिए इंसान को कि इंसान जो है ना वो थोड़ा सा नमाज का तो कम से कम ख्याल करे ना। अगर वो मुसलमान है, भले वो खानदानी पैदा मुसलमान में पैदा हो, अब आप अक्सरियत को देखो बाहर का, जो आपके जो बाहर के लोग है वो मुसलमान होते, अभी आपने खुद थोड़ी देर पहले बात करी तो, लेकिन हमारे जो बेसिकली पैदाइशी जो मुसलमान है तो वो कुरान खोल के नहीं देख सकते कि यार हमारे कुरान हमें बोलता क्या है, हम इसकी स्टडी तो करें, क्यों नहीं करते उसके बारे में। तो एक बाहर का आने वाले के पास इल्म ज्यादा है, और हमारे तो मुसलमान यानी कि गैर मुसलमान भी ये बात को बोलता है, मुसलमान में देखो ऐसा हो रहा है, आप सऊदीया में चले जाओ वो बोलते सबसे ज्यादा जो है वो पाकिस्तानी खराब है, सबसे ज्यादा ये खराब है। तो वो क्यों ऐसे बोलते हैं? क्योंकि वो जाहिर से बात है वो काम के जिम्मेदार नहीं है, यानी कि दूसरे रास्ते से करते हैं, अगर काम में भी चोरी करते हैं और बहुत सारी चीजें हैं। बस लोग जब बताते तो जो अच्छी बात होती है, जिससे मैंने लेडीज की अच्छी बात करी आपको, कैसी देखो उसने इरादा करी थी कि मैं नमाज वक्त पढ़ लिया करूंगी, तो अल्लाह ताला ने देखो उसको अजान भी नमाज पढ़ी और अल्लाह ने उसको वही, अगर वो वक्त जाया कर लेती, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो देखो ना उसकी मौत तो वह लिखी हुई थी टाइम पे, तो वो वक्त तो निकल जाता ना उसकी नमाज का, तो उसने नमाज तो अदा कर ली ना। तो यही मैं सारी चीज के बारे में बोल रहा हूँ, जब वक्त हो जाए तो अजान का इंतजार नहीं करना चाहिए, नमाज पढ़ लेना चाहिए इंसान को नमाज के लिए, कि भाई नमाज का वक्त हो गया मुझे नमाज पढ़ लेनी चाहिए। लेकिन वो कैसे पढ़ेगा जब तक उसके अंदर डर नहीं होगा, खौफ खुदा वाली बात नहीं होगी, पाबंदी नहीं होगी, तो उसके हिसाब से वो बोलते हैं दीन जो है ना वो दोस्तों से मिलता है, यानी कोई भी अमल है वो दोस्तों से मिलता है। यार अगर ऐसे पाले होंगे तो जाहिर से बात है वो तो रास्ता आपको नहीं देंगे, पर अगर आपने दीनदार दोस्तों से दोस्ती करी होगी तो वो भी जब वक्त के पाबंद होंगे तो फिर आप भी उसको फॉलो करोगे, फिर आप भी उसी तरीके से जो है ना उस तरफ जाओगे। और अभी हमने भी अपनी मसरूफियात जो है ना वो कुछ दीनदार लोगों में रखी है, ताकि छोटी छोटी बातें होती है उनके साथ पूछते रहते हैं, तो उनके साथ फिर वो लगे रहते हैं, तो वो उससे थोड़ा हमें भी सबक मिलता है कि भाई ये बात है ये बात है ये बात है। यहाँ तक कभी आज मैंने ऐसी सवाल किया कि जो पेंट की बात की थी, तो उन्होंने बड़े अच्छी बात कह, बोला आप ये देखो बढ़ रहा है, एक मोबाइल फोन को रुमाल के अंदर बंद कर दिया और उसको लूज में रखा, बोला रुमाल के नीचे क्या है, मैं बोला पता नहीं क्या है, लेकिन उसने जब वो रुमाल को मोबाइल के साथ टाइट किया ना तो नजर आया कि ये मोबाइल है। तो उसने वो मिसाल ऐसी दी मेरे को, समझे आप मेरी बात को? नहीं जी हाँ,
मोबाइल फोन को ऊपर से ऊपर रुमाल डाल दिया, तो बोले नीचे नजर नहीं आ रहा ना कुछ भी, बोला नहीं। जब उसने फिर वो कसा ना, तो वो मोबाइल फोन नजर आ गया, तो बोला यही है नमाज पैंट के साथ पढ़ने में। तो आप ठीक है अगर आपने जिस्म को आप, लेकिन आधा छुपाने का हुक्म है ना, तो अगर आपने पैंट पहनी भी तो आप देखो सजदे में जा रहे हो, रुकू में जा रहे हो, तो ये पैंट के पिछले वाला हिस्सा आपको क्या शो करा रहा, नहीं समझे? इसको विजी कहते हैं, यकीनन बेहयाई आएगी दिमाग में, खुशी होगी, कम से कम पीछे वाले की तो जरूर खत्म खराब होगी। ठीक है, तो ये उसके यानी कि उसने मुझे बताया, तो मेरा अपना आजादी तौर पे ऐसा दिल हुआ भी यार वाकया यूब साहब को पैंट शर्ट नहीं पहननी चाहिए, कम से कम नमाज में नहीं पहननी चाहिए। या हम लोग तो क्या ये जो चीजें होती रहे जी, हम लोग क्या करते हैं कि पैंट्स तो पहनना चुके मजबूरी भी होता कभी, तो हम उसके ऊपर मजबूरी पहन लेते हैं। सही है, लंबी कमीज पहन लिया तो वो छुप गया जैसे। हाँ हाँ सही है, ठीक है आपकी बात, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन हमारे यहाँ तो वो टी शर्ट भी ऐसी हाफ है कि वो मेरे ख्याल में वो ऊपर चढ़ जाती है तो ये भी तो मसला, वजू करने के लिए बेटा वो तो पीछे से उसका आधा जिस्म नजर आ रहा है, तो आप उसको कहाँ तक जो है ना वो मना करो तो लड़ाई हो। जी जी हाँ सही बात, सही बात। लेकिन फिर भी अमल ये सारी चीजें जो करते रहना चाहिए। जी जी हाँ वो तो बात सही है, लेकिन मेरा कहने का मकसद है कि वो हमें थोड़ा सा उन माहौल में रहना पड़ेगा ना, तो उससे फिर हमें सारी चीजें मिलेगी ना, अगर हम उस माहौल को इख्तियार नहीं करेंगे तो हमें फिर वो थोड़ी चीजें मिलेगी। दोस्ती तो ले जाते ना, दोस्ती ले जाते ना उसको, यस। तो वो दोस्त जैसे उनके दोस्त यार होते फिर वो बोलते यार चलो बाद में, वैसे हमारे साथ में तो ऐसा भी होता है कि चलो कोई आदमी के साथ सफर कर रहा हूँ तो बोलते है भाई गाड़ी रोको यार पहले नमाज पढ़ लेते हैं, और ऐसे भी हो के यार देर हो रही यार अभी चलो बाद में देखेंगे, ऐसे भी है। बहुत बहुत शुक्रिया असलम भाई, ठीक है, आपने बड़ी अच्छी नसीहत की मुझे भी और बहुत सारे दोस्तों को। अब अल्लाह ताला आपके इस नसीहत को हमें अब उस पर अमल करने वाला बनाए। आपको तो बहरहाल सवाब मिल गया अकॉर्डिंग टू प्रॉमिस ऑफ अल्लाह, कि नेक बात अच्छी बात करने वाले को तो मिल ही गया सवाब। हम अगर करेंगे तो उसका फायदा हमें हासिल होगा, इस दुनिया में भी अल्लाह ताला हमें सुरखरू करेगा और इस दुनिया के बाद भी, जिस दुनिया में कभी मौत नहीं आएगी, जिस जिंदगी को कभी मौत नहीं आएगी, उस जिंदगी में भी अल्लाह ताला हमें नवाजेगा इंशाअल्लाह ताला। अगर कोई आखिरी कलमा हो अगर आपका तो वो कर दीजिए। नहीं मैं तो भाई ठीक है बात कर रहा हूँ, लेकिन वो जो अमल है ना इंसान का डिपेंड करता है अमल के ऊपर, इंसान को चाहिए अमली जिंदगी को जो ना वो अपनाए, अमल करके दिखाए। अगर एक आदमी गैर मुसलमान मुसलमान को देखता है तो उसका अमल ही देखता है कि इसका अमल ही खराब है, तो अमल से जो ना बड़ा असर पड़ता है। आप नम है तो वो अमल करना के दिखाए आप, मैं तो उस हवाले से बोलूँगा कि अमल इंसान के अंदर होना चाहिए, और जितने भी अंबिया पहले भी गुजरे उन्होंने अमले साले का कि झूठ नहीं बोलो, धोखा नहीं दो किसी के साथ, चिटिंग बाजी नहीं करो, किसी का पैसा गलत तरीके से नहीं खाओ, बहुत सारे रास्ते नापसंदी इख्तियार करो, जो जायज तरीके से कमाना है वो आप जायज तरीके से पैसा कमाएं, कमाना पैसे कमाने से मना नहीं है, लेकिन ठीक है आप थोड़ा सा जायज तरीके से कोशिश करें कि अपने अमले साले नेक अमल करें, किसी को आपकी जात से तकलीफ नहीं हो, किसी की दिल आजारी नहीं हो कि यार आपकी जात से ठीक है, आपके पास अगर एक चीज है एक सीट मिली हुई है एक ऐसे जो है सीट मिली हुई है उसके पास और उससे नाजायज फायदा उठा रहा है तो वो मैं समझता हूँ कि वो गलत कर रहा है, उसको चाहिए कि वो जो ना थोड़ा सा अपना मुआसरा रखे कि भाई मुझे देखो कि मुझे क्या, ठीक है अल्लाह ताला ने मुझे इख्तियार दिया है लेकिन मैं इसको जरा सा गलत इस्तेमाल नहीं करूँ, मेरा कहने का मकसद। और दूसरी बात है कि जो भी आदमी जो भी काम करता है तो अल्लाह ताला गवर्नमेंट उसको पैसे तो दे रही है ना, जिस काम के उसको पैसे तो दे रही है ना, लाजमी थोड़ी कि उसको जो है ना वो गलत रास्ता इख्तियार करे, तो एक चीज को। दूसरी बात ये कि कोई भी ये भी जरा सरासर जो है ना वो गुनाह वाला काम है, क्योंकि कुरान लिखता है कि झूठों पे खुदा की लानत है। हम लोग अगर मोबाइल फोन खरीदने के लिए जाते हैं वो 500 रुपए का बेचता है, और जो दुकानदार उसको झूठी कसम खा के कहता है यार मेरी खरीदी कसम से 2000 रुपए की,
तो कसम खाना कोई आसान बात नहीं है। मैं समझता हूँ कसम खाना आसान बात नहीं है। कसम का मतलब ये होता है कि गवाही होती है, आप अल्लाह को गवाह रख के ये बात करें। यार आप देखो ना, आप अल्लाह को रखिए, ऐसी बात है क्यों करें? ठीक है आप बोलो यार ये मैं 2000 रुपए का बेच रहा हूँ, आपको लेना ले, नहीं लेना नहीं ले, लेकिन आप उसको सिर्फ एक हामी भरने के लिए कि भाई मैं जो ना ये कसम खा के बता रहा हूँ कि मेरी तरह, आप ऐसा नहीं करना चाहिए ना इंसान। तो ये हमारे जो पाकिस्तान के अंदर जो है ना झूठी कसम खा के, अगर पुलिस वाला है वो बीच के अंदर जो है ना वो रखता है कि भाई ठीक है ये मिसाल दे रहा हूँ आपको, वो स्टेट वाला वो बोलता है आपको कितने पैसे चाहिए, वो बोलेगा मुझे 50 चाहिए, ठीक है आपको 50 मिल जाएंगे। वो जाला जब तक 60 में सौदा तय नहीं होता है तो वो जब तक उसके टोकन नहीं पकड़ता, जब 60 में तो 10 लाख रुपए का तो झूठ बोल के आपने किया है हमारे नमाजी साथी है। तो मैं तो समझता हूँ कि हम जब 4 मस्जिद छोड़ के अहले हदीस के बारे में बोलता हूँ, मुझे नहीं पता, मैं अहले हदीस मसलक को इस बात के बारे में थोड़ा सा बोलता हूँ कि जब आप 4 मस्जिदें छोड़ के अहले हदीस मस्जिद में जाते हो नमाज पढ़ने के लिए, तो आपके अंदर तब्दीली होनी चाहिए। आप 4 मस्जिद छोड़ के क्यों जा रहे हैं, फिर आप किसी भी मस्जिद में पढ़ ले, जब आप जा रहे हो 4 मस्जिद छोड़ के तो वो स्टेट का काम गलत कर रहा है तो आपके अंदर उसके अंदर क्या फर्क है, तो आप भी वही काम कर रहे हो तो फिर आप मस्जिद छोड़ के क्यों आ रहे हो, तो आप पढ़ लो किसी के भी पीछे नमाज, फिर आप क्यों यानी अहले हदीस में तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि जब आप किसी चीज़ को देख रहे हो कि मैं कुरान और सुन्नत को फॉलो कर रहा हूँ, जब मैं कुरान और सुन्नत को फॉलो कर रहा हूँ तो फिर उसके अमल फिर नहीं है आपका, तो फिर वो फिर बेकार है, फिर आप खाने काबा के अंदर बैठ के दुआएं मांगते रहे उससे क्या फर्क पड़ेगा फिर, लेकिन अमल तो नहीं है ना आपका। भले आप इमाम काबा को बोलो कि भाई मुझे जो ना मेरे लिए दुआ कर लो, लेकिन आपकी अमली जिंदगी तो देखो ना कि आपके अमल क्या, आप किसके साथ क्या क्या चिटिंगे कहाँ कहाँ करे, जब आप कमीशन ले रहे हो 2% कमीशन भी आपने ले रहे हो और आप टॉप भी रख रहे हो, झूठ भी बोल रहे हो कि नहीं यार वो इससे कम में बेच नहीं रहा, तो ये सारी चीजें कह जाते हैं। हमारे बहुत सारे हमारे साथी है जो ये काम को करते हैं, लेकिन फिर आप देखो, मैं कहता हूँ कि इसमें थोड़ा सा जो ना बहुत सारी चीजें अल्लाह ताला अगर वो उनके लिए रास्ता आप खुद छोड़ते हो तो उस चीज को अगर आप छोड़ोगे तो उसका फायदा ही आपको ही है ना। तो ये कहने का मकसद, अख्तियारात होने के बावजूद भी आप ठीक है स्टेट का आपने बात की कि 2% कमीशन में ले रहा हूँ, यार अगर 1 करोड़ रुपए का सौदा कर रहा है तो 2% कमीशन आप देखो ना कितने बनते आपके, कम तो नहीं बनते ना, 2 लाख ऐसी हो गया ना। तो जब 2 लाख ऐसी हो गया है तो फिर आप उसके बावजूद भी टॉप वाली बातें करोगे तो आप फिर वो कहाँ आदमी जाएगा। हमारे पास जो वो मामला जो पाकिस्तान में, मैं समझता हूँ मुसलमानों के अंदर वो सिर्फ यही वजह है कि वो अल्लाह ताला खुद कहता है कि झूठे पे खुदा की लालत है, तो हमें थोड़ा सा इस बात का एहसास करना चाहिए ना। ये है मेरी नसीहत कि यार कोई भी इंसान किसी भी नोयत का काम करता है तो थोड़ा सा एहतियात करे अपने बारे में, फिर अपनी उम्र के लिहाज से भी देखे कि अल्लाह ताला ने अगर आपकी उम्र 50 साल 55 साल उम्र कर दिए तो आप देख लिया आपके दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, तो आप अभी फिक्र तो करें ना, अभी तो फिक्र करें अपनी कब करोगे। अच्छा तो ये थोड़ी सी है कि थोड़ा सा आदमी इस बात का ख्याल कर ले, चाहे वो किसी भी नोयत का काम करता है तो उसको चाहे नहीं गुजारा तो पीछे तो है नहीं, किसी का भी नहीं है, वो सब है दूसरों का। बस आप देख लो किसी भी सर्कल में घुमा के देख ले है दूसरे का, वो जाता दूसरे के पास ही है। आपको यही तो बात को बता रहा हूँ कि अगर आप छोड़ के जा रहे हो तो एक बात करो कि वो एक शख्स है वो अपने बेटे के लिए तो यार बेटे अगर है तो वो बेटा बहू तो बाहर से ला रहा है ना, बहू तो लाया उसने बाहर से लाया ना, लड़की तो पराई है ना, तो वो बेटे की जिससे आपने शादी कराओगे तो बेटे के बाद वो किसके पास गई चीज है, अगर आपने बेटी के लिए रखी है तो वो दामाद कौन है, तो है तो बाहर का आदमी ना दूसरा, वो तो ये सर्कल जाता किसके पास है फिर वो। लेकिन आपने इतनी हो गई पर सारी चीजें पराई होगी ना, तो भाई इस पराई की फिक्र। और एक चीज और मैं मिसाल के तौर पर मिसाल दे रहा हूँ, ऐसी बात मेरी शायद आपको बात ऐसी बुरी लगी, मतलब ऐसी चीजों के पीछे हमारे जो है ना वक्त को जाया है, ऐसी चीजें मिसाल के तौर पर मिसाल दे रहा हूँ, अगर आपके पास बात से जो ऐसी चीजें हमें रोकती है बहुत सारी, हमारे पास बहुत सारी जैसे 2 गाड़ियां हैं, हम 2 गाड़ी की केयरफुल में लगते हैं कि यार इसको भी देखना है, इसको भी देखना है, इसको भी देखना है, इसमें ये काम है कभी, अब वो जो 2 गाड़ियां हमें जरूरत 1 गाड़ी की है
तो हम एक ही गाड़ी को रखे ना, अगर मैं दो को रखता हूँ, दो की मेंटेनेंस के लिए मुझे रखता है, तो मैं वो जो टाइम जो दो की मेंटेनेंस का है ना, मैं वो नमाज के लिए कुरान को पढ़ तो मैं रखूंगा, तो उसमें इबादत से हमें फिर वो ज्यादा चीजें रोकेगी नहीं। असल मसला ये होता है कि जितनी चीजें इंसान के पास ज्यादा होती है वो उतना ही इबादत के लिए रुकता है, क्योंकि उसको वो चीजों की फिक्र हो जाती है ना, उसको उन चीजों की फिक्र हो जाती है कि यार ये चीज वहां रखी भी है, वो चीज फिक्र के अंदर जो है ना वो फिर इबादत से गाफिल हो जाता है। सूरह नमल अगर आप पढ़ोगे तो सूरह नमल में आपको ये सारी चीजें मिलेगी कि इंसान गाफिल क्यों होता है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, तो उसके अंदर सूरह नमल के अंदर है, तो वो शैतान मर्दू से दुआ मांगू कि शैतान से पना दे, तो शैतान से पना दे, तो जाहिर से बात है ऐसी चीजें आपकी सारी तवज्जो ही वो ऐसी चीजों की तरफ जा रही है, तो वो नमाज से या रोजे से या इबादत से या उसको पढ़ने से आप गाफिल हो रहे हैं। लेकिन आपके पास एक्सेस नहीं होगी, नॉर्मल चीजें तो ठीक है, आप उसके बाद आप फारिग होने के बाद आप, तो ये भी थोड़ा सा है कि ठीक है किसी हद तक। और बहुत सारी चीजें हैं असलम भाई, मैंने पढ़ी है तो मैं समझता हूँ कि अभी ज्यादा बोलना नहीं चाहिए मुझे, मैंने बहुत बोल दिया। मगर जो भी बोला आपने हम बात की, अल्लाह ताला उस पे हमें अमल करने वाला बनाए। असल चीज यही है कि अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी, वरना हम तो खाकी है, न नूरी है न नारी। चलो ठीक, तो यही है कि जी आप हम सबको यही पैगाम देते हैं कि भाई अमल सालेह करो ताकि दुनिया जी भी आसानी से गुजरे और आखिरत भी तुम्हारे लिए बहुत सारे इनाम बात अल्लाह ताला रखा हुआ है। ठीक है, और सब्र करो, दूसरी बात है कि सब्र का भी है, अगर किसी जगह पे आपको मुश्किलात होती है तो सब्र से काम ले। जिक्रिया का जिक्र किया था या तो बात यह कि सब्र करें, अगर आपकी नई नई शादी हुई है, अगर आपको और किसी बात की परेशानी करे। और दूसरी बात ये भी है कि नमाज का तर्जुमा हर इंसान को आना चाहिए, नमाज का तर्जुमा हर इंसान को आना चाहिए कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ, क्योंकि जब आपको तर्जुमे का एहसास होगा ना कि मैं पढ़ रहा हूँ तो उसमें टाइम भी लगेगा। जैसे आप रुकू में सजदे में जाते हो 3 दफा 4 5 दफा बोलते, उसमें टाइम लगता है, लेकिन हमने अक्सर देखा है लोगों को ठक करके गए सजदे में एकदम, यानी कि शायद वो वापस उठ ही गए ठक करके। मतलब एक चीज के तो पढ़ने में टाइम लगता है ना, अदिया तो अगर आप पढ़ते हो उंगली में तो टाइम लगता है, लेकिन मैं देखा ऐसे ऐसे ये उंगलियां घुमाते ऐसे ऐसे करके, तो उसमें आपने पढ़ा तो नहीं है, तो पढ़ा थोड़ी बहुत आप देख लो सुभान अल्लाह पढ़ के आप उसको 33 दफा में कितना टाइम लगता है पढ़ने में, 33 दफा पढ़ने में कितना टाइम लगता है, तो आप देखो कि वो टाइम भी तो आप पूरा अपडेटिंग में नहीं आ रही ना, आपने ऐसे उंगलियां घुमाया तो वो 3 1 2 3 1 2 3 तो ये सारी चीजें है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो आप उसको जरा सा करें। नमाज के लिए कम से कम आदमी एहसास करना चाहिए मुसलमानों को कि मैं अल्लाह के लिए नमाज पढ़ता हूँ, मुझे नमाज पढ़ने का तर्जुमा आना चाहिए, बस तब जाके हमारे दिल के अंदर छोड़ो तर्जुमा भी आना चाहिए नाज़रीन, और नमाज को नमाज लाने वाले के तरीके से नमाज पढ़े तो नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल होने को है इंशाल्लाह। बिल्कुल सही बात है, नमाज को हम नमाज मोहम्मदी पढ़ेंगे तो हमें उम्मीद है कि मोहम्मद की शिफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नसीब होगी, वरना इंतजार करते रहे हम अल्लाह ताला देने पे कादिर है। जी जी सही बात, अल्लाह ताला देने पे कादिर है। ठीक है असलम भाई, हाँ बहुत बहुत और आपका शुक्रिया, अल्लाह ताला इसका ढेर सारा आपको अजर दे। हम और नाज़रीन से भी उम्मीद करेंगे कि वो इससे फायदा उठाएं, और खुसूसन अयूब भाई की फैमिली के लिए दुआएं खैर करें, इनके बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत अच्छा खानदान है, अल्लाह ताला इस खानदान को जुड़ा रखे, इसी तरह ये खानदान और लोगों की भी खिदमत करते रहे, जैसा कि इन्होंने कहा कि ये इनकी जो बिरादरी है ये बिरादरी लोगों की खिदमत भी करती है। इन बिरादरी का मैंने इन बिरादरी का कब्रिस्तान भी देखा है नॉर्थ कराची में, तो ये दूसरों की खिदमत करने में पेश रहती है, और उसकी वजह यही है कि नमाज पढ़ते हैं नमाज के तरीके से, नमाज की चूंकि बात हो रही है नमाजी की कि नमाज पढ़ते हैं, और नमाज से और सबर से इंसान अपना टारगेट अचीव करता है।
इसके साथ ही हमें और अयूब भाई को इजाजत दीजिए। अगर अब तक आपने एक रस्मी सी बात हम करते हैं नाज़रीन कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हम लोगों की हौसला अफजाई भी होती रहे और साथ साथ आप भी जुड़े रहे हमारे टोटली कारकर्दगी से। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए, मोहल्ले वालों का ख्याल रखिए, सच्चाई पे कायम रहिए। कभी कभी आजमाइश होती है, जब आजमाइश आए तो सब्र का मुजाहरा कीजिए, अल्लाह ताला आपके दुनिया को और आखरत को अच्छा कर देगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।